तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं साइट पे और मेजरमेंट का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे रिटेनिंग वाले आएंगी, किस हिसाब से इनका लैंड डेवलप होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी जस्ट अभी उठ रहा हूँ, 6:30 बजे का समय हो रहा है, तो उठ चुका हूँ मैं भी। तो चलता हूँ बाहर और आपको नज़ारे दिखाते हैं, शानदार शानदार व्यूज आ रहे होंगे। अभी धूप आ चुकी है तो एक बार नज़ारे देख लेते हैं और उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, आपको नज़ारे दिखाता हूँ। मैं भी अभी उठ रहा हूँ, आप लोग उठ गए हैं कि नहीं उठे हैं कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं बाहर, चलते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। फ्रेंड ये है मॉर्निंग के नज़ारे, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, चारों तरफ घुमाता हूँ। तो फ्रेंड मॉर्निंग नज़ारे, आप लोगों को मॉर्निंग व्यू कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। पहाड़ों से अगर ऐसा व्यू देखने को मिले तो काफ़ी अच्छा लगता है, आपको भी काफ़ी खुशी होती होगी और ऐसे नज़ारे देख के पहाड़ों से। तो मैं चल चुका हूँ घर से, दूध पकड़ लिया है मैंने, डेयरी पे जाते हैं, पहले दूध फिलअप करते हैं और उसके बाद आज भी हमारे पास बहुत काम है दोस्तों। दिन भर बहुत दौड़ा भागी होने वाली है, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। जो पिछले दिनों मैंने नई भूमि पूजन वाली साइट वाली वीडियो डाली हुई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर जाइए, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर चलना है, प्लॉट की मेजरमेंट करनी है किस प्रकार डेवलप होगा, क्योंकि पहाड़ों में पहले लैंड डेवलप होती है तब जाके घर बनता है, तो उसी का आइडिया लगाना है। और कितनी हमारी रिटेनिंग वॉल आएगी, क्या आएगा, तो वही सब कार्य करना है, तो उसी के लिए उसकी मेजरमेंट करनी है। तो मैं निकल चुका हूँ घर से, अभी थोड़ी देर में आएगा अमित भाई, तो चलते हैं और दिन भर आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो फ्रेंड मैं पहुँच चुका हूँ रोड में, डेयरी पर पहुँच जाता हूँ और व्यू दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, सुबह का शांति से भरा व्यू, शानदार लाजवाब व्यू। आज धूप काफ़ी हल्की लग रही है क्योंकि आसमान में बादल आए हुए हैं हल्के हल्के, इस चक्कर से धूप हल्की अभी आ रही है और ठंडा भी हो रहा है सुबह के टाइम। तो नज़ारे इस प्रकार है यहाँ से सुबह के टाइम में दोस्तों। मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, तो हम लोग हैं अभी चकोटा साइट पे, यहाँ पर काम स्टार्ट करवा दिया है। तो यहाँ से निकलते हैं मजेड़ा के लिए, जो नई साइट पे मैं सुबह आपको बता रहा था, वहाँ पर जाना है। अमित भाई कर रहा है ड्राइविंग, बाइक ले जा रहा है, तो बैठते हैं निकलते हैं। व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है सुबह के टाइम में चकोटा साइट से। काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, मैं मजेड़ा से आके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा रिटेनिंग वॉल की चिनाई कितनी हो चुकी है। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। फाइनली दोस्तों चकोटा से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं मजेड़ा पे। अभी जिस साइट पे मैं हूँ यहाँ पे हमारी चल रही है रिटेनिंग वॉल का कार्य, मैंने पिछले भी आपको यहाँ से वीडियोज दिखाई हुई हैं, आप अगर देखनी है तो चैनल पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो बाइक यहाँ पर लगा दी हमने, मटेरियल हमारा सारा यहाँ पर है। तो मैं चलता हूँ नीचे और नीचे आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ पर काम हो चुका है। और इसी के बगल में सामने में वो साइट है जहाँ पर हमने भूमि पूजन किया और वहीं पर अभी जाना है मेजरमेंट के लिए। और देखिए यहाँ पर खेतों की परसों जो आपको दिखा रहा था जुताई स्टार्ट हो चुकी है, तो बढ़िया खेतों की यहाँ पर जुताई हो चुकी है, तो आलू लगाने की तैयारी यहाँ पर बढ़िया हो रही है। तो व्यू भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं यहाँ से, मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको फिर चलते हैं नीचे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नीचे प्लॉट पे और कार्य यहां पे जारी है। सुबह का समय है, काफ़ी बेहतरीन हो रहा है काम करने के लिए, बढ़िया धूप खिली हुई है और मौसम काफ़ी बढ़िया साथ दे रहा है। तो काम यहां पे जारी है और धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा होगा लैंड यहां पे इनकी किस प्रकार डेवलप हो रही है। अभी जिस रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है अभी दिखाऊँगा आपको, ये देखें ये वाली रिटेनिंग वॉल इनकी पूरी हो जाती है तो इसके बाद इनका एक बढ़िया एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि लैंड डेवलप करना मेन रहता है पहाड़ों में, काफ़ी समय भी लगता है लैंड डेवलप करने में और मेहनत वाला काम भी रहता है, कहीं पे दीवारें आनी ही, कहीं पे कुछ और, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और किस प्रकार से कैसी लैंड डेवलप करनी है ये हर लैंड का अपना एक अलग तरीका होता है। तो कार्य यहाँ पे जारी है। तो दोस्तों वहाँ पे रिटेनिंग वॉल का कार्य समझ के और आपके साथ शेयर करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, साथ में मिस्त्री जी भी आए हैं। सामने जाना है, सामने प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट हमने करनी है, पिछले दिनों इसकी वीडियो डाली हुई थी भूमि पूजन की। तो लगभग इस रास्ते से हम पहुंच जाते हैं उस प्लॉट पे जो रोड से लगभग 100 से 150 मीटर दूराई पे है, पैदल रास्ता है अभी। तो प्लॉट पे पहुंचते हैं फिर करता हूं आपसे आगे बातें, व्यू काफ़ी शानदार आ रहा है। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं साइट पे और मेजरमेंट का कार्य यहां पे स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं
किस हिसाब से यहाँ पे रिटेनिंग वाले आएंगे, किस हिसाब से इनका लैंड डेवलप होगा, क्योंकि पहाड़ों में मेन थिंग यही रहती है कि पहले लैंड डेवलप अपने करें, उसके बाद ही आपका घर बनेगा। अब देखिए जिस प्रकार की लैंड है ये पहले डेवलप होगी, जहाँ वो खड़े हैं मिस्त्री जी वहाँ से रिटेनिंग वॉल उठेगी, वही हम आइडिया लगा रहे हैं अभी। तो मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं और उसके बाद हमें सारा चीज़ें क्लियर पता चल जाएंगी। लैंड इनकी काफ़ी बढ़िया है, देखिए बढ़िया शांति है यहाँ पे और व्यू काफ़ी शानदार आ रहा है। अभी जो हमारी साइड चल रही थी वो सामने में जो मकान दिख रहे हैं वहाँ से मैं आया, और एक साइड चल रही है ऊपर जो लास्ट आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है चकूटा। तो अपनी सारी मेजरमेंट यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे चकूटा साइड को। व्यू देखिए फ्रेंड, काफ़ी शानदार लाजवाब व्यू, और देखिए सामने एकदम हमेशा 12 महीने आपको ग्रीनरी दिखेगी यहाँ से, बढ़िया व्यू, बढ़िया जंगल का व्यू आ रहा है। और ये पास में माँ भगवती का मंदिर, तो इनका भी आशीर्वाद लेते हैं, अपना काम यहाँ पे निपटाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से चकूटा के लिए। दोस्तों मजेड़ा से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं चकूटा पे, 11:30 बजे का समय हो रहा है अभी, और यहां पे जारी है रिटेनिंग वॉल का कार्य। तो देखिए काम किस प्रकार हो रहा है यहां पे। दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं फिर से पहुंच चुका हूं चकूटा साइड पे। लंच करने के लिए घर गया हुआ था तो आ गया हूं यहां पे। तो आपको एक बार नज़ारे दिखाता हूं, काफ़ी बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं यहां पे दोपहर के समय में, क्योंकि ऐसे नज़ारे देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर अगर हम बाहर हैं, शहरों में हैं, शहरों में ऐसे नज़ारे देखने को तो मिलते नहीं हैं, तो अगर पहाड़ों में ऐसे नज़ारे देखने को मिले तो मज़ा कुछ और आ जाता है। तो और आपको काम भी दिखाऊँगा कि काम हमारे यहाँ पर कितना हो चुका है, कितनी हमारी रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो गई है। और ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे ऐसे ही ब्लॉग डेली आते रहते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि आपको पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों के दर्शन कराएं, साथ में अगर इस चैनल की मदद से आपकी कोई पहाड़ों पर हेल्प हो सके, जैसे कि मेन काम अमित भाई के साथ कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ डेली, मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ कि किस प्रकार पहाड़ों पर काम करना है, किस प्रकार यहाँ पर आप काम कर सकते हैं ताकि मजबूत काम यहाँ पर आप अपना कर पाएँ। क्योंकि अगर आप काम देखें दोस्तों तो पहाड़ों में पहाड़ी बंदे से आप काम करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहाड़ में लोग यहाँ से रहते हैं, बरसों से यहाँ पर रहे हुए होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज रहती है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का वातावरण कैसा है, हमने यहाँ पर कैसे काम करना है। और शहरों से आप बुलाते हैं तो शहरों से वही है, शहरों में तो एक प्लॉट पहले से होता है, लेकिन यहाँ तो लैंड को पहले डेवलप करो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सिचुएशन अलग सी हो जाती है। तो मेरा प्रयास रहता है आपकी कुछ मदद हो जाए, साथ में पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों के मैं दर्शन आपको कराता रहूँ ताकि आपका भी मूड हमेशा फ्रेश बना रहे। तो वीडियो पसंद आती है दोस्तों इस चैनल की लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी दिखाता हूँ आपको दोपहर के खूबसूरत नज़ारे, और साथ में दिखाते हैं काम काम कितना हो चुका है। दोस्तों शाम का समय हो चला है, जो दिन भर रिटेनिंग वॉल की चिनाई हुई उस पर करी जा रही है अभी डीपीसी वर्क, और साथ में भरे जाएंगे कॉलम जो रिटेनिंग वॉल के साथ हैं। तो कार्य देखिए और कार्य समझिए किस प्रकार मेहनत होती है पहाड़ों में और कैसे कार्य किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने काम देखा, काम किस प्रकार हुआ यहाँ पे। तो अभी हो चुकी है काम की छुट्टी, और देखिए रिटेनिंग वॉल की लुक, और कल के लिए यहाँ पर मसाला इकट्ठा कर दिया जो कल यहाँ पर काम आएगा चिनाई के लिए। और देखिए लुक पूरी रिटेनिंग वॉल एक सी आपको नज़र आएगी, दोनों पार्ट अभी लेवल हो चुके हैं। तो छुट्टी हो चुकी है, शाम का समय है, दूर से देखने में देखिए बढ़िया लग रही है रिटेनिंग वॉल। तो शाम का समय है, छुट्टी हो चुकी है, तो निकलेंगे यहाँ से हम भी घर के लिए। दोस्तों फाइनली पहाड़ों पे हो चुकी है शाम, नज़ारे देखिए अभी शाम के समय में, धीरे धीरे लोगों के घरों की लाइट भी जलने लगी है। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने
नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और नया दिन और कुछ नई बातें, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।